नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की बात करें तो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हैं। मतलब इसका यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वो हमेशा ट्रेंड करते नजर आते हैं और उनके रिकॉर्ड को तोड़ना बड़े बड़े सिंगरों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, कठिन होता है और कोई कितना भी जोर लगा ले खेसारी लाल यादव के रिकॉर्ड तक पहुंचने में असफल रहता है, चाहकर भी खेसारी लाल यादव के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाता है। और वैसे ही आज एक बड़ी जानकारी देने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपका दिल गदगद हो जाएगा, दिल काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और आप भी खेसारी लाल यादव को काफी ज्यादा सपोर्ट और अप्रिशिएट करते नजर आएंगे। पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल यानी कि भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, बात करें तो 2021 का सबसे बड़ा गाना की अगर मैं बात करता हूं तो खेसारी लाल यादव के नाम ही वो रिकॉर्ड है और वो गाना उनका होली का गाना था दुई रुपिया। लेकिन अगर मैं एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड की बात करता हूं तो वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में महज एक कलाकार के नाम है और वो है भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। जी हां, बात करें खेसारी लाल यादव तो एक दिन में, महज एक दिन में 6 मिलियन का रिकॉर्ड स्थापित कर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मुकाम अपने नाम दर्ज कर लिया है और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लोग अलग अलग तरीके का प्रयास कर रहे हैं। कौन कैसे प्रयास कर रहा है ये आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव के उस रिकॉर्ड के नजदीक तक भी पहुंचने में असफल हो रहा है। बात करें तो खेसारी लाल यादव का ये जो गाना था महज एक दिन में 6 मिलियन रिकॉर्ड कर 2021 का सबसे बड़ा गाना बन गया था। बात करें तो 2,38,000 से ज्यादा इस पे लाइक्स थे, तो वहीं कमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो 50,000 से ज्यादा कमेंट्स था। और एक और बड़ी बात थी कि महज 3 घंटे में 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे। खेसारी लाल यादव और अंतर सिंह प्रियंका की आवाज में था और इसमें सबसे बड़ी बात की पाखी हेगड़े खेसारी लाल यादव के साथ नजर आए थे। अखिलेश कश्यप ने इस गाने को लिखा था, तो वहीं रोशन सिंह जो थे वो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। आदिशक्ति फिल्म पर इस गाने को अब तक 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुका है, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास पवन सिंह ने किया था। जी हाँ, पवन सिंह का एक गाना रिलीज हुआ था जिस गाने का नाम है मीठा मीठा बहुत है कमरिया हो पार्ट 3, जो कि काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त किया और किस तरीके से किया कई लोग कई तरीके की बातें कह रहे हैं। खैर, उन बातों पर आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करें तो महज एक मिनट में 6,50,000 व्यूज इस गाने पर चला गया था, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है। कैसे चला गया ये मैंने ऑलरेडी और वीडियोस बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी 1 मिनट में 6,50,000 व्यूज पहुंचना और इसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव के 6 मिलियन का एक दिन में रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाना, ये कहीं ना कहीं स्थापित करता है कि खेसारी लाल यादव का जो पोजीशन है उसको पकड़ना या फिर उसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बात करें तो खेसारी पवन सिंह का जो ये गाना मीठा मीठा बात है कमरिया पार्ट 2 था, वो महज दो घंटे में 1 मिलियन हो गया था, 8 घंटे में 2 मिलियन हो गया था, लेकिन फिर भी एक दिन में 6 मिलियन का रिकॉर्ड खेसारी लाल यादव का ये गाना को नहीं तोड़ पाया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास था। बात करें तो अब इस गाने पर 4.6 मिलियन, हालांकि अब 2 दिन लिखा हुआ आ रहा है, 1,18,000 से ज्यादा व्यूज जो लाइक्स हैं, 46,000 से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं और ये गाना जो है वो अब खेसारी लाल यादव को रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में रफ्तार ये गाना पकड़ा था, लग रहा था कि खेसारी लाल यादव के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे, लेकिन पवन सिंह जो है उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए और एक बार फिर से खेसारी लाल यादव का तांडव है और इस बार का अभी भी सबसे बड़ा गाना खेसारी लाल यादव का है जो बंगलिनिया है, तो वहीं दूसरा गाना जो है वो इंसान खिलौना हो गए 5 मिलियन के साथ। अभी भी खेसारी लाल यादव का तांडव पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में मचा हुआ है, लेकिन पवन सिंह चाहकर भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।